अभी ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहे हैं? यस यस सर। सर। ओके, इंटरनेट चला गया था। चलो, तो फादर को बोलते हैं ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर के पापा को क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंड फादर, और ऊपर रहेगा तो ग्रेट ग्रैंड मदर। क्लियर है? सेम थिंग इसके ऊपर भी यही जनरेशन आएगा, ग्रेट वाला और ग्रेट ग्रैंड वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अभी देखो, आपके नीचे वाले जनरेशन में कौन आता है बताइए मुझे। तो कजिन रह गया ना लिखना। ब्रदर है ना, सन कजिन, एंड डॉटर। कजिन। चलो, सन आएगा, यस सर। लड़का हुआ तो सन, और लड़की हुई तो डॉटर। डॉटर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर लड़के का शादी हुआ किसी लड़की से तो उसको क्या कहेंगे? डॉटर डॉटर इन लॉ। बोर्ड दिख रहा है? सर लिखना है ना सब? हाँ, लिखना है। फैमिली ट्री अभी मत लिखो, पहले समझ लो आप। अगर डॉटर की शादी होती है किसी लड़के से तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? सन इन सन इन लॉ, लॉ। सन इन लॉ। यहां से मैं फिर से समझाता हूं। देखो मैम, आप हो यहां पे, ठीक है, एक मिनट। देखो, आप हो यहाँ पे, आपके जनरेशन में कौन आ रहा है? ब्रदर आ रहा है, सिस्टर आ रही है, वाइफ आ रही है, और अगर आप फीमेल हो तो हस्बैंड आएगा। बरोबर आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक हाँ है। सर। ब्रदर की शादी अगर किसी से होगी तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या कहलाएगी? सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अगर सिस्टर की शादी किसी लड़के से होगी तो आपके अकॉर्डिंग वो कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। बरोबर बोलिए, आवाज आ यस रही है सर। क्या? हाँ यस सर। सर। और यस सर। कजिन भी, कजिन किसको बोलते हैं? भाई कजिन जो अच्छे भाई होता होते है, बहन, किसको लड़के बोलते हैं? डिंपल मैम बोलिए, किसको बोलते हैं कजिन? चाचा के लड़के को। आपने चाचा के बेटा होगा, बोला चाचा का वही। बेटा होगा तो कजिन बोलेंगे, बेटी हुआ तो भी कजिन बोलेंगे। कभी भी हम लोग कजिन, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं बोलते, डायरेक्ट कजिन ही बोलते हैं। सबको पता नहीं ये बात? ठीक यस है, सर। एक जनरेशन के ऊपर गए, फादर आ गए, मदर आ गए, अंकल आ गए और आंट आ गए। ठीक है, सेम थिंग, आपने जिसे शादी किया है तो वो आपके एक जनरेशन ऊपर ही रहेंगे, तो उसके पिताजी, तो उसके पिताजी। मैम कट करो, पूजा एमपीएससी आ रहे, मत करना। हेलो,
मैं कहाँ पे था, यहाँ पे बता रहा था ना। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर आते हैं, अगर एक जनरेशन ऊपर आते हैं, आवाज आ रहा है क्या? प्रॉपर नहीं आ रहा है, आवाज प्रॉपर आ रहा है? हेलो, आवाज प्रॉपर? यस यस सर। जनरेशन अगर ऊपर आते हैं तो आप जिससे शादी करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मेल हो तो आपने जिससे शादी की है आपके ससुर फादर इन लॉ कहलाएंगे, आपकी सासू माँ मदर इन लॉ कहलाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ये एक जनरेशन होने के बाद प्लस वन जनरेशन और ऊपर जाते हैं, आपके पिताजी के पिताजी क्या कहलाएंगे? आपके ग्रैंडफादर। और माताजी क्या कहलाएंगी? ग्रैंड मदर। ठीक है, और एक ऊपर जनरेशन अगर आता है तो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दादाजी के पिताजी, परदादा। हाँ, परदादा, दादाजी के पिताजी, परदादा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ऊपर वाले जनरेशन में? यस सर। अब बात करते हैं नीचे वाले जनरेशन की। नीचे वाले जनरेशन में देखो, अगर आप यहाँ पे हो, आपके नीचे वाले जनरेशन आपके नीचे साइड में आएगी, तो अगर आपका बेटा होगा तो वो सन कहलाएगा, अगर आपकी बेटी होगी तो क्या कहलाएगी? डॉटर। अगर आपके बेटे का शादी किसी लड़की से होती है तो वो आपके अकॉर्डिंग आपकी क्या लगेगी? बहू लगेगी। अब बहू को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अगर आपकी बेटी है और बेटी ने किसी लड़के से शादी की तो वो आपके अकॉर्डिंग आपकी आपके क्या लगेंगे? सन इन लॉ। सन इन लॉ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे वाले जनरेशन में, आपके कजिन है। ठीक है, कजिन है यहाँ पे, कजिन के अगर उसका बेटा हुआ तो उसको बोलेंगे नेफ्यू, भतीजा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? भतीजा ही बोलते हैं ना। yes, हम लोग अपने भतीजा, मतलब जो आपके चाचा के लड़के होंगे उनको अगर लड़का हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं? भतीजा बोलते हैं ना, और भतीजे को इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। ठीक है, अगर चाचा का बेटे का लड़का हुआ, मतलब आप समझ रहे हो क्या? हाँ सर। अगर जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल कजिन है, कजिन का भी होता है, आपके फादर के भाई का लड़का आपका कजिन कहलाएगा, आपके जनरेशन में आएगा, उसके भी तो बेटे और बेटी होंगी ना। हाँ सर। ठीक है, तो उसके भी बेटे और बेटी होंगी, अगर कजिन का बेटा हुआ तो नेफ्यू। ठीक है, अगर बेटी हुई तो नीज, बेटी हुई तो नीज होता है। समझ में आया? हाँ सर। किसी को डाउट इसमें अब तक? नो सर। ठीक है, अभी एक जनरेशन और नीचे जाते हैं, अगर आपका बेटे का बेटा हुआ तो क्या कहलाएगा? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। अगर बेटे को बेटी हुई तो ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडडॉटर, बराबर। अगर ग्रैंडसन का शादी होता है तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या लगेगी? ग्रैंड डॉटर इन लॉ, बरोबर, क्योंकि ग्रैंड है। और ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर का अगर शादी होता है किसी लड़के से तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? ग्रैंड सन इन लॉ। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें फैमिली ट्री में? नो सर। ओके, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो आप लोग, प्रॉपर ऐसी फॉर्मेट में बनाना।
सर हाँ भाई बोलिए। वो कजिन के बच्चों को नीस और निफे बोलने का ना, तो वो अपने भाई के और बहन के लड़के और लड़की को यही बोलने का? हाँ सेम ना, सेम सेम। ओके थैंक यू। लड़का हुआ तो नेफ्यू, लड़की हुई तो नीस, उल्टा मत कर देना। यस यस। चलो हुआ सबका? यस सर हो गया। बाकी लोग को लिखना है, किरफ कर दो इसको। बाकी लोग को हुआ या रफ कर दो? हो गया सर। रोहित हुआ? हाँ हो गया सर। रफ कर दो? हाँ यस सर हो गया। इसमें फैमिली ट्री में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। देखो अभी सेकेंड स्टेप क्या होता है, फैमिली ट्री तो हमने सीख लिया ठीक है। अभी हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि कौन बंदा मेल है कौन बंदा फीमेल है, ऐसे हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करूंगा, मेल जो होगा ना मेल उसको मैं बॉक्स में बनाऊंगा, फीमेल जो होगा ना उसको मैं गोल करूंगा। और ये इंडिकेशन से मुझे ये समझेगा, अगर मैंने बोला है ए इज फादर ऑफ बी बोला है तो ए क्या है, फादर होगा किसका, बी का। तो ए तो ऊपर आएगा ना, ऊपर जनरेशन में आया तो ऊपर आएगा ना। बोला है ए इज फादर ऑफ बी बोला है तो ए इज फादर ऑफ बी मीन्स ए क्या है, पापा है किसका, बी का। तो बताओ मुझे, तो मुझे अगर मैं ऐसे सादा बनाता हूँ तो मुझे ये समझेगा क्या मेल ए जो है मेल है या फीमेल है, समझेगा क्या मुझे? नहीं नहीं समझेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, मेल का इंडिकेशन है बॉक्स तो मैं बॉक्स के अंदर रखूंगा, इसका मतलब मुझे ये समझेगा ए इज फादर ऑफ बी तो ए जो है बॉक्स के अंदर आ गया मतलब ये मेल होगा ठीक है। अगर यहाँ पे दिया है बी इज सिस्टर ऑफ ऑफ सी
तो सी जो है बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो बी जो है क्या है वो सिस्टर है किसकी, सी की। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो मैं क्या करूंगा, बी मतलब सिस्टर है मतलब क्या हो गया, मैं फीमेल हो गया, फीमेल हो गया, तो फीमेल का इंडिकेशन क्या है, राउंड। तो मैं इसको मतलब ये मुझे समझ में आ जाएगा, मैंने राउंड में लिया मतलब फीमेल आ गया, राउंड हुआ तो फीमेल, बॉक्स हुआ तो मेल। अब बात करते हैं ब्रदर और सिस्टर की, ब्रदर और सिस्टर अगर आता है, जैसे यहाँ पे दिया है बी इज सिस्टर ऑफ बी, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का ब्रदर और सिस्टर के इंडिकेशन के लिए दोनों का अपोजिट एरो बनाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो बी जो होगा सिस्टर होगा सी का। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अगर ब्रदर सिस्टर तो हो गया, मेल फीमेल हो गया, हस्बैंड वाइफ भी तो होते हैं ना। अगर हस्बैंड वाइफ दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसा इंडिकेशन बनाऊंगा जिससे मुझे समझेगा कि ये लोग हस्बैंड एंड वाइफ है। अगर यहाँ पे दिया है बी इज सिस्टर ऑफ सी और लिखा है सी इज हस्बैंड इज हस्बैंड है, तो मतलब क्या हो गया, मेल या फीमेल, मेल। वाईफाई अटक रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अभी क्लियर है, बता। अभी क्लियर है ना, देखो सी इज हस्बैंड ऑफ डी बोला है ना, तो सी क्या हस्बैंड है, तो हस्बैंड मतलब क्या होगा, मेल या फीमेल, मेल, मेल, मेल। तो हस्बैंड मतलब मेल हो गया, तो मेल को किसमें बनाएंगे, बॉक्स में, तो सी को बॉक्स में रख लो। और हस्बैंड है, हस्बैंड और वाइफ के लिए क्या इंडिकेशन है, ये वाला, और डी बोला तो डी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी ना। अगर सी हस्बैंड है और ये इन्होंने मैरिड किया तो डी ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएगी। तो ये आपके इंडिकेशन के लिए है, ये आप नोट डाउन कर लो, मेल हुआ तो बॉक्स, फीमेल हुआ तो राउंड, ब्रदर और सिस्टर का इंडिकेशन के लिए ऑपोजिट एरो, हस्बैंड तो, और एग्जांपल भी लिख रहा हूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा सर, यही साइन फॉलो करनी है या और भी कर सकते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं, मैं तो यही फॉलो करता हूँ, मेरे लिए इजी पड़ता है। बहुत लोग क्या करते हैं, मेल को प्लस बनाते हैं, फीमेल को माइनस बनाते हैं, और ब्रदर सिस्टर को पता नहीं क्या बनाते हैं, उनके हिसाब से रहता है, बस मुझे ये पता है प्लस माइनस बनाते हैं। आपको जैसे बनाना बना सकते हो, बस आपके अंडरस्टैंडिंग में ये समझ में आना चाहिए कि ब्रदर सिस्टर कौन है, हस्बैंड वाइफ कौन है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने प्लस माइनस इक्वल टू अलग किया करवाया था ना। अच्छा, आपका लेक्चर हो गया मतलब, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको करना है प्लस माइनस से भी कर सकते हो, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप वैसा कर सकते हो। प्लस कर लो मेल को, फीमेल को माइनस कर लो, ब्रदर सिस्टर क्या था, इक्वल था ना, नहीं एरो ही था इसके लिए, एरो ही था, और हस्बैंड वाइफ इक्वल था, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये कर लो, लिख लो मैम,
हेलो हेलो यस सर यस आप लोग ना कोई एक साइन मुझे बताओ वो मैं परमानेंट करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो बताओ साइन नंबर वन चाहिए साइन नंबर टू चाहिए बता दो मुझे साइन नंबर टू 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 बनी चाहिए टू 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 अच्छा बताओ टू वाले कितने हैं अंकर रोहित मैं नीता प्रजापति मैं सभी चलेगा सर सर मैं भी मतलब टू कर देते हैं चलो टू कर दें वन वाले कम है शायद डिंपल मैम यस सर आप वन से फॉलो करो चलेगा ना आपके अंडरस्टैंडिंग मैं आपको वो भी बना दूंगा दोनों बना के दिखा दूंगा आप चलेगा ओके तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन इसके ऊपर से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस बेसिक टू मॉडरेट में जाएंगे प्लस कोडेड में जाएंगे और आपका ये ब्लड रिलेशन प्री में मैं बता देता हूँ प्री में आपका 3 से 5 मार्क ले आता है और मेंस में कोडेड आता है ये भी 3 से 5 मार्क ले आएगा क्लियर है इजी चैप्टर मत समझना बहुत अच्छा चैप्टर है ओके सर हाँ लेकिन इसका प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज भी होते ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर से इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कोई डाउट इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट है इसमें फैमिली ट्री में नो सर एग्जांपल में नहीं है नो सर और आप लोगों को जो मैंने बोला था कि मैं अड्डा 247 का बुक का राकेश शर्मा का और आर एस अग्रवाल का तो वो जो इमेज भेजना था वो मैंने भेजा आपको मिला क्या नहीं नो सर मैंने एक्चुअली मैंने सर को भेज दिया है आप एक बार सर को मैसेज कर दो सर तृप्ति मैडम को भेजिए ना तृप्ति मैडम को भेज दूं ठीक है मैं तृप्ति मैडम को अभी भेज दूंगा अभी आपको मिल जाएगा अभी मिल जाएगा यस ओके ओके चलो थैंक यू सो मच क्लास आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे हेलो हेलो हां हां बोलिए गिरीश सर वैदिक मैथ्स तक YouTube पर बगायचं का वैदिक मैथ्स के लिए ना आपको YouTube पर बेटर रहेगा YouTube पर भी देख लो आप सोर्सेस आपको मिल जाएंगे ओके ओके ठीक है ठीक है कोई डाउट्स मुझसे कुछ पूछना है थैंक यू सर थैंक यू बाय बाय सर